हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक टिप्स लकी। तो गाइज, आज की वीडियो ने वाली है होने वाली है यूट्यूब के एक डिस्क्रिप्शन के ऊपर। तो गाइज, मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें डिस्क्रिप्शन में लिंक किस तरीके से ऐड करना चाहिए। आप थंबनेल देख के पहचान ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पर आज बात करने वाला हूँ। तो गाइज, हमें किस तरीके से डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनको ऐड करना चाहिए, उनका जो सही तरीका है वो मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। काफी सारे लोग ऐड कर लेते हैं मगर उन्हें सही तरीका मालूम नहीं होता। तो गाइज, मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग क्या करते हैं, वो लिंक को तो कॉपी करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी करते हैं लिंक की कॉपी नहीं करते, सीधा www.com एंड वहां पर चैनल का नाम लिख दिया, ये वीडियो का थोड़ा बहुत नाम लिख दिया, बात खत्म, हो गया लिंक। वो इस पर क्लिक करेगा तो वो आपकी वीडियो पर रिडायरेक्ट नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ी हमारी दिक्कत ये आ जाती है कि वो जो आपकी वीडियो है उस पर रिडायरेक्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने जो लिंक है उसको कॉपी नहीं कराया है, अपनी तरफ से खुद एक लिंक क्रिएट कराया है, ठीक है गाइस। सबसे पहले हमारी जो दिक्कत है वो ये आती है, इसलिए कभी भी आपको लिंक खुद नहीं बनाना है, लिंक को हमेशा आप कॉपी करिए URL को एंड अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन पेस्ट करिए, ओके। एंड गाइज, और मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग ऐसा भी करते हैं, वो लिंक को कॉपी करने के बाद उसको बेटली कर देते हैं, ठीक है। बेटली कुछ ऐसी वेबसाइट एप्लीकेशन है जिनकी वजह से लिंक को शॉर्ट कर सकते हैं, उनके जरिए उन्हें शॉर्ट करके एंड डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं। ऐसा आपको कभी भी नहीं करना है। ये जो हमारे बीटली वगैरह करने की जो एप्लीकेशन वेबसाइट है, ये कभी भी हमारे यूट्यूब की गाइडलाइन को फॉलो नहीं करती, ठीक है गाइस। सबसे बड़ी हमारी ये दिक्कत आ जाती है, इसलिए कभी भी आपको इन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है। मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझा रहा हूँ, आपको कभी भी इन एप्लीकेशन का यूज़ नहीं करना है, ना कभी लिंक को शॉर्ट करने की सोचिए। लिंक बड़ा है तो उससे क्या दिक्कत है, लिंक जो भी है हमें सीधा उसका URL कॉपी करना है एंड अपनी वीडियो के अंदर पेस्ट करना रहेगा, ठीक है गाइस। तो सबसे पहले हमारी बात यह आ जाती है। दूसरी बात पे अगर हम आते हैं तो वो है कि जब हम अपनी वीडियो पर लिखते हैं, वहां पर लिख देते हैं, काफी सारे लोग माई वीडियो लिंक एंड वहां पर लिख दिया उन्होंने माई वीडियो लिंक, उसके बाद लिखते हैं कि अपनी वीडियो का टाइटल लिख देते हैं और कहते हैं कि हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक डाल दिया है। जब भी कोई इस पर क्लिक करेगा तो रिडायरेक्ट आपकी वीडियो पर नहीं, जबकि क्रोम ब्राउजर पे या कहीं और हो सकता है, ठीक है गाइज। तो गाइज, आपको हमेशा अपनी वीडियो का जो URL, आप मान लीजिए आप अपने वीडियो का, वेबसाइट का या अपने यूट्यूब चैनल का लिंक अपने वीडियो में डालना चाहते हो, तो आपको सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने यूट्यूब चैनल को ओपन करिए, उसमें वीडियो का डालना है तो वीडियो पर 3 डॉट हमें शो होते हैं बेसिकली, उस पर हमें क्लिक करना रहेगा। शेयर के बटन पे जाते हैं, कॉपी लिंक का एक मोबाइल की तरह हमें फ्रेम दिख जाता है कॉपी लिंक का, उस पर हमें क्लिक करना रहेगा, आपका जो लिंक है वो कॉपी हो जाएगा। आप अपने YT स्टूडियो को खोलिए या YouTube से अगर आप पब्लिक करते हो तो YouTube में एडिट के बटन पर जाइए, वहां पर डिस्क्रिप्शन में जाइए एंड वहां पर थोड़ी स्पेस देके नीचे को एंड लिखिए, वहां पर लिख दीजिए कि माई चैनल लिंक या माई वीडियो लिंक, वहां पर जो अपना लिंक है उसको पेस्ट कर दीजिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है, आपकी कोई भी ऐसा नहीं है कि आपका जो लिंक है वो गाइडलाइन के खिलाफ है, गाइडलाइन को फॉलो नहीं करता आपका, इसमें कोई भी मैंने बीटली का ऑप्शन नहीं बताया। आपको सिर्फ सिंपली क्या करना रहेगा, वीडियो का जो लिंक है, चैनल का लिंक है, वेबसाइट का लिंक है, आपको सिर्फ उसको उठाना है, कॉपी करना है और अपने चैनल में जाकर पेस्ट कर देना है। अगर आप बेसिकली कभी किसी एप्लीकेशन, सोशल मीडिया एप्लीकेशन का लिंक डालना चाहते हो अपने वीडियो के अंदर, तो उसका जो सही तरीका है वो ये है कि आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना रहेगा। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आप मान लीजिए इंस्टाग्राम का आपको लिंक डालना है, instagram.com सर्च करी, ठीक है, वहाँ पर आपका जो ID खोली, ID के लोगो पर क्लिक करा, अपनी ID का नीचे जो हमें इंस्टाग्राम का लोगो दिख जाता है वहाँ पर हमें क्लिक करना रहेगा। क्लिक करने के बाद वहाँ पर हमारी जो ID है वो ओपन हो जाती है एंड ऊपर हमें एक लिंक शो हो जाएगा, उसको हमें कर लेना है वो कॉपी, वो होता है हमारा URL लिंक, ठीक है गाइस। तो वो URL लिंक होता है, मैं उसको सीधा अपने वीडियो के अंदर पेस्ट करना रहेगा, वो है सही तरीका। एंड अगर आप ऐसा करते हो कि हमें ये लिख दिया www.com, उसके बाद अपने टेक टिप्स लकी, मान लीजिए मेरा जो इंस्टाग्राम है वो है टेक टिप्स लकी करके, वो उसका मैं टेक टिप्स लकी डाला एंड फिर उसको कह दिया कि ये मेरे जो इंस्टाग्राम है उसका लिंक है, तो वो कभी भी हमारे जो इंस्टाग्राम की आईडी है उस पर रिडायरेक्ट नहीं होगा। तो मैं आपको बता दूं कि कभी भी ऐसा नहीं करना। और जो बेसिकली काफी सारे लोग इसको तो ज्यादा ही इस्तेमाल करते हैं कि लिंक जो होता है हमारे URL लिंक, https करके एक
सबसे स्टार्टिंग HTTPS करके ही होती है, उसको कटिंग कर देते हैं, www.com से स्टार्टिंग करके उसको पेस्ट कर देते हैं। कभी भी आपको ये नहीं करना है। ओके गाइस, आपको हमेशा पूरा लिंक डालना है वीडियो में, सोशल मीडिया का डालो, वीडियो का डालो, चैनल का लिंक डालो डिस्क्रिप्शन में, तो सही तरीका यही रहता। सीधा आपको लिंक को करना है, वहां से कॉपी, कॉपी करने के बाद अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसको जाकर पेस्ट कर देना है रहेगा। मैं अपने चैनल पे इसी तरीके टेक्निकल नॉलेज से रिलेटेड अपने चैनल पे वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। इस वक्त जो मेरे यूट्यूब चैनल पे सब्सक्राइबर आया हुआ है 250। ओके गाइज, तो इसी तरीके से आप मेरे यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्यार करते रहिए, एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करिए मेरी वीडियोज़ को, ताकि चैनल जल्दी से 1K पर पहुंचे, एंड उसके बाद हम अपने यूट्यूब चैनल का मोनेटाइजेशन कर सकें। एंड जो भी अब जैसे मान लीजिए अभी भी मेरा यूट्यूब चैनल मोनेटाइज होगा, जितनी जल्दी आप करा सको उतनी ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़वाओ, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करो, ताकि उसका वॉच टाइम और जो सब्सक्राइबर है वो जल्दी जल्दी पूरे हो सकें, एंड जो लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को देखें, ताकि हम अपने चैनल का मोनेटाइजेशन इनेबल कर सकें और आपको भी दिखाएंगे इनेबल किस तरीके से करा जाता है, गूगल एडसेंस हमें कैसे बनाना है, जो हमारा गूगल एडसेंस का पिन है उसको किस तरीके से मंगाया जाता है, चैनल के जो हमारा गूगल एडसेंस है उसके अंदर बैंक अकाउंट की डिटेल किस तरीके से फिल करी जाती है, वो सब मैं आपको बाद में बताऊंगा जब यूट्यूब चैनल अपना मोनेटाइज हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।